पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय हो गया, विद्या सर ने आज तक न जाने कितने सारे क्रिकेट प्लेयर को इस दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में अपने करियर को बनाने का मौका दिया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, लेकिन उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। क्रॉस मैदान पर रोज सुबह 5:30-6 बजे के आसपास सर पहुंच जाते हैं। एक टिपिकल सा सीन दिखता है कि जैसे ही वो टैक्सी से उतरते हैं, रास्ते में जितने भी बच्चे आते, जितने भी बड़े आते, सब उनके पैर छूते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि क्रिकेट की दुनिया की एक एक बारीक चीज का एनालिसिस उनके पास है। आज सर के साथ हम बात करेंगे और ये पता करेंगे कि कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको सारी दुनिया जानती है, उनके साथ उनका रिश्ता कैसे रहा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे प्लेयर की जो 15-16 साल की उम्र तक तो उसका सर के साथ कोई संबंध ही नहीं था, लेकिन 16 साल की उम्र में सर के पास वो आया और सारी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। उनका नाम है जहीर खान। सर, जहीर खान और आपकी मुलाकात कैसे हुई? एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का था और जब भी यहाँ आया उसको फास्ट बॉलर बना दुनिया का मशहूर, मगर उसको आपको पता नहीं, वो लड़के ने कभी 17 साल तक पाँव में स्पाइक के शू पहने नहीं थे। अच्छा। तो उसको पहले दिन में उसको जब भी देखा, बॉलिंग का टैलेंट तो अच्छा था, मगर उसको पूछा, बोला नहीं गांव में हम ऐसे ही खेलते, यही जूते से खेलते। उसको मैं दुकान में लेके गया और उसको स्पाइक के जूते दिलाए और उसके बाद में वो स्पाइक के जूते से बॉलिंग करने लगा। तो उसको फिर आदत सी हो गई, तो अच्छी मैं टारगेट बॉलिंग उससे करके लेता था और बहुत अजीब सा उसका भागना वगैरह था, भागने को भी वो लड़के को नहीं आता था। फिर उसको वहां से मैं चौपाटी लेके जाता था और सैटरडे संडे मंडे 3 दिन प्रैक्टिस जब भी नहीं होती थी तो हम लोग चौपाटी के रेत में उसके साथ, और काफी हिकेन शाह, पराग मड़कईकर, इन लोग सब उसके साथ में रहते थे। फिर कभी मलबार हिल के तरफ भागने जाते थे, कभी नरीमन पॉइंट जाते थे। जब भी नरीमन पॉइंट जाते थे तो वहाँ पे एक स्टेडियम रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ के चाय पीते थे, बन मस्का और चाय। वो तो फेमस थी। और वहाँ से फिर गाड़ी पकड़ के चर्च गेट से वो चंडी रोड उतर जाता था, मैं ग्रैंड रोड जाता था। ग्राउंड से कभी हम लोग चल के निकलते थे तो कला निकेतन के बाहर एक चने वाला बैठता है, वहां से हम चने लेते थे और चने खाते खाते हम लोग जाते थे। कैसे दिन थे। और आज वो एक बहुत बड़ा स्टार बन गए हैं। लेकिन आदमी के दिन कैसे बदलते हैं, वो बदलते हैं, दिन मैंने देखे हैं। लेकिन जब वो आपके पास आया था, ऑलरेडी उसने सीजन बॉल से खेलना शुरू किया था? नहीं, गांव में वो टेनिस बॉल से खेलता था, सीजन बॉल से नहीं खेलता। मतलब आपके पास आने के बाद पहली बार उसने सीजन बॉल सीजन बॉल पकड़ा एट द एज ऑफ 16। एट द एज ऑफ 17 स्टार्टेड प्लेइंग विद यस सीजन बॉल। बहुत कम हुआ खेला होगा तो गांव में बहुत कम खेला था। गिरगांव चौपाटी में जो वो दौड़ता था तो आपको भी दौड़ लगा रही? मैं भी दौड़ लगाता था। हम लोग कभी कभी साथ में दौड़ते थे। हाँ। उस जमाने में मैं उसको एक 25 मीटर तक मैं उसको ये करता, मात देता था, मगर 25 मीटर के बाद वो एंड में मेरे को ये करता था, लेके जाता था आगे। यस, अरे क्या बात। ही हैज अ स्पीड, वो स्टेमिना था। सुनील मोरे बहुत गरीब लड़का था, बीडीडी चाल से आया हुआ था, बैटिंग बहुत अच्छा करता था। फिर समीर दिगे था, इन लोग सब आते थे। फिर वासिम जाफर था, वो भी मेरे पास कई दिन आता था, वो भी वहां नेशनल पे था। तो ऐसे कई सारे प्लेयर थे। फिर राजेश पवार था, तो ये सब प्लेयर फर्स्ट क्लास खेले। फिर तो उनकी शुरुआत वहां से हो गए मेरे साथ। और देखते देखते सब बच्चे खेले। फिर हसीब हमीद इंग्लैंड का, वो मेरे साथ आया था, उसने ट्रेनिंग लिया है, तो उसको ड्रॉप किया था, अंडर 19 टीम में वो ड्रॉप हो गया, तो प्रैक्टिस के लिए मेरे पास आया। वहां से वो लैंकेशायर गया, वहां लगातार 3 सेंचुरी की और वो इंग्लैंड टीम में आ गया। कभी किसी के सितारे कभी बदले के वो बोल नहीं सकते। उन तक आपके बारे में खबर किसने पहुंचाई? क्या है, अभी मुंबई में जो भी आते हैं तो पहले ऐसे इंक्वायरी करते है, कौन है भैया यहाँ पे कोच? तो हम तो मैदान वाले है, तो हम लोग के पास आते है तो लड़का देखने के बाद पता चलता है लड़के में कुछ स्पेशल टैलेंट है या नहीं। तो मेरे को हसीब हमीद में लगा कुछ स्पेशल टैलेंट है। अभी जितने भी ये है, वासिम जाफर है, सुनील मोरे है, ये सब गरीब घर के लड़के, मगर हमको मालूम था क्या ये क्रिकेट जब भी बहुत जोर में शुरू हुआ था, ये अपना जहीर खान है, तो मुझे लगा था
ये एक दिन बड़ा क्रिकेट खेल सकता है, मगर उन लोग को भी कभी नहीं लगा था कि अच्छा। हम लोग इतना खेल जाएंगे करके। मगर क्या है, आप जैसे उसमें खेलते जाते तरक्की करते हैं, आपके अगर सितारे बुलंद है तो आप निकल जाते हैं। वैसे ही मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहां से जहीर खान के लिए जूते लाया था, नाइकी के स्पाइक जूते लाए थे, उसको बहुत पसंद आए थे, वो बहुत आखिर तक वो पहनता था और उसको बहुत पसंद आए थे। वैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं, कुछ जाते हैं तो वहां से खरीद के लाते हैं प्लेयर लोग के लिए। हम लोग की नजर ही वैसे रहती है कि जाओ तो क्या खरीदी करो, तो हम लोग पहला वो प्रायोरिटी रखते हैं, कोई अच्छा बच्चा है उसको कुछ हेल्प करे। और ये सब मुझे ये मनमोहन सिंह ने ये आदत लगाई, कोई गरीब लड़का है टैलेंटेड है वो ऐसा ही फोकट नहीं जाना चाहिए, उसको हेल्प करो। ये आपकी पारखी नजर थी जिसकी वजह से ये सारे सितारे एक्चुअली बन पाए। मगर एक प्लेयर का मैं जिक्र बहुत अभिमान के साथ करूंगा, क्योंकि उसके जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा होता है तो सबसे पहले आपको मिलने आता है, हर दिवाली में आपके घर आता है। और मैंने ये सुना है कि वो क्रिकेट में आने से पहले बहुत अच्छा एथलीट था। मैं बात कर रहा हूँ अजिंक्य रहाणे की, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे, उसके पिताजी मुझे मेरे पास लेके आए थे, मेरे सामने एक बीएसटी में काम करता है लड़का, तो उसके पिताजी बीएसटी में काम कर रहे थे, तो उन्होंने उनको पूछा अरे पराड़कर सर से पहचान है क्या, तो अजिंक्य को मेरे घर पे लेके आए थे। तो अजिंक्य बैठा था, बात कर रहा था। सर उसकी उम्र क्या थी सर? जब वो था 16-17 साल का। ओके। तो बोला मुझे प्रैक्टिस करनी है आपके साथ, मैं बोला आ जाओ। तो मेरे घर में बैट पड़ी थी, तो मेरे को बोला वो बैट देखो क्या, तो बोला देख ले। तो उसने बैट उठाई, देखा उसके ऊपर सचिन तेंदुलकर की सिग्नेचर थी। अरे वाह। तो मेरे को बोलता है ये बैट कैसे है, बोला अच्छी है तुमको पसंद है, बोला हाँ मुझे बहुत पसंद आई, मैं देखे क्या मुझे, बोला अरे लेके जा शौक से लेके जा, तो सचिन की सिग्नेचर है, क्या हुआ मैं दूसरा लूंगा सिग्नेचर। और बैट से उसने वो बहुत स्कोर किया। मेरे को बोलता है वो बैट मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो बोला यूज कर तू। और अच्छी बैट थी, मैं किसी के लिए ले आता तो उसको दे दिए, तो वैसी कभी कभी काम आती है। मगर वो लड़का इतना अच्छा है, आज भी कई साल में वो मुझे 10-15 बैट, 10-15 जूते बच्चे लोग को देने के लिए क्रिकेट का सामान हर साल वो भेजता है। यानी वो पीछे मुड़ के देखता है, ऐसे पीछे मुड़ के देखने वाले क्रिकेटर बहुत कम है। अजिंक्य रहाणे उसमें से एक है, क्या वो हर साल कुछ ना कुछ सामान बच्चे लोग के लिए देता है, सर ये गरीब बच्चे को दे दो और मेरा नाम मत बोलो बोलता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत वो हमेशा आपके घर आता है फैमिली के साथ, हमेशा आता है फैमिली के साथ। वो भी कभी नया घर लिया कुछ लिया तो मुझे बुलाता है, पूजा होगा क्या होगा घर में बुलाता है, तो ऐसा हम लोग का आना जाना होता है। वो कभी स्कोर करता है क्या करता है, उसको फोन करते हैं मैसेज करते हैं, उसका तुरंत रिप्लाई देता है, ऐसा वो एकदम टच में है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शिवराज देशमुख नाम का एक लड़का मेरे पास था अंडर 19, वो आया था 14-15 साल का, जो अशोक देसाई का मैं जिक्र करता हूँ, जो इंस्पेक्टर थे उनका ही वो भतीजा है। तो वो मेरे पास लेके आए उसको, तो उसको मैं पुलिस जिम खाना लेके गया, वो टीम में खिलाया उसको, उसने बहुत अच्छी तरक्की की। यानि अंडर 19 जब ही मुंबई जीती थी तो ये लड़के ने 32 विकेट्स निकाले थे। मगर मुंबई क्रिकेट में एक ऐसा है, ये लड़के पे ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उसको ना वेस्ट जोन में लिया ना कोई टीम में लिया। तो अच्छे घर से था और दिमाग से बहुत तेज था, तो मेरे को बोला सर ये क्या माहौल है, मेरे को क्यों सिलेक्ट नहीं करते। जब भी मैं 32 विकेट्स लेता हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंडिया हूँ, तो मुंबई टीम में मुझे आगे लेना चाहिए, मुझे क्यों नहीं लेते। तो उसके दिमाग में कुछ आया और उसने यूपीएससी की एग्जाम दे दी। आज वो मेजर है इंडियन आर्मी में, उसने क्रिकेट ही छोड़ दिया। बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिन्होंने ये इन लोग को ये आके क्या होता है, मुंबई क्रिकेट में ऐसा है जो बहुत वसीलेबाजी चलती है, ये मैं सीधा बोल सकता हूँ। और दूसरा क्या होता है, यहाँ लेके ये इन लोग वीडियो एनालिसिस करके सबके एक्शन टैम्पर करते हैं, एक्शन चेंज करते हैं। एक्शन चेंज में एक आकाश लुथरा करके एक लड़का था, जिसने 90 विकेट्स अंडर 19 तक निकाली थी, उसके एक्शन चेंज किए, वो बॉलिंग ही नहीं डाल सका बेचारा। सच्ची बोलूं मैं, वो जान देने वाला था वो लड़का, उसको कैसा कैसा ये किया। आज वो असिस्टेंट करके मेरे साथ ये कर रहा है। आज उसकी उम्र क्या है, 23-24, इस उम्र में उसको क्रिकेट छोड़ना लगा बिकॉज ऑफ दिस मुंबई क्रिकेट।
एक कोचिंग में इन लोग इतना, एक सिडक सिंह नाम का एक लड़का है, उसका एक्शन इन लोग चेंज कर दिया, दो टाइम उसको चकिंग में निकाला। तो ऐसे लास्ट मे में वो मेरे पास आया था, उसका फिर से जो एक्शन था वो मैं उसको ये करके लिया, रिवाइव किया। आज वो लड़के ने 85-86 विकेट अंडर 23 में निकाले और बीसीसीआई ने उसको बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर करके उसको बख्शा है। अब ये मुंबई क्रिकेट वाले क्या कर रहे हैं, कैसे कोचिंग कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, जो बच्चा आया उसको चेंज करते जाते। सचिन ने कभी अपनी ग्रिप चेंज नहीं की, वो उनके आचरण कर गुरु का एक वो है, योगदान है। वो जाके किसी को भी लड़ते थे, भैया मेरे प्लेयर को चेंज मत करना, वो सीधा बोलते थे। उनके पास जितने प्लेयर आते थे उनको कोई चेंज करने को गया जाके झगड़ा करते थे। और उस जमाने में आचरेकर को कोई को किसको क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं थी, इतना वो स्ट्रांग था। वो मेरे यहाँ आते थे जाते टाइम, गाड़ी का भी ये करके वहाँ रेस्ट लेते थे, मेरे पास चाय पीते थे, गप्पा करते थे और फिर आगे निकल जाते थे। उन लोग का हर रोज का ये था, मेरे साथ आके आधा पौना घंटा बैठते थे, क्रिकेट के बारे में सब बातें करते थे, फिर निकल जाते थे। ये जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं स्कूल के टाइम पे बड़ा अचानक मोटिवेट हो जाते हैं, कोई कोई स्कूल की तरफ से फिर वो हैरी शील्ड गाय शील्ड खेलते हैं और उसके बाद में आठवीं नौवीं तक ये सिलसिला चलता रहता है, और उसके बाद जब नाइन्थ हो जाती तो टेंथ आ जाती है, तो 80% ऑफ द चिल्ड्रन गायब हो जाते हैं, छोड़ देते। क्या होता है देखो, आज 40 बच्चे ऐसे है जिन्होंने 300-300 रन किए है मुंबई क्रिकेट में, स्कूल क्रिकेट, मगर एक भी कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेला है। खाली दो चार बच्चे, एक ये है अपना, उसका नाम क्या, वासिम जाफर खेला है जिसने 300 रन किए है, फिर मेरे को लगता है अमोल मजुमदार है, उसने बहुत बड़ा स्कोर किया था, वो भी एक खेला है मगर फर्स्ट क्लास खेला है, मगर बाकी प्लेयर्स है वो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले। तो 300 रन का कोई मायने नहीं करता, क्योंकि क्या होता है 16-17 साल के बाद 18-19 में जो बदलाव आते उसमें बच्चे टूट जाते। सच्चा क्रिकेट 19 के बाद शुरू होता है, मैं देखा हो ये 14-15 तक है ना बच्चे लोग बहुत स्कोर करते, मगर जब 18-19 में जो आते हैं साइकोलॉजिकल जो माँ बाप का जो प्रेशर होता है, कोचेस का प्रेशर होता है, उसमें बहुत से बच्चे टूट जाते। तो बच्चों के ऊपर आप प्रेशर मत दो, 18-19 के बाद एक 23-24 तक उनको खेलने दो, देखो जो अच्छा है वो निकल ही जाएगा। तो ये जो प्रेशर है वो बच्चों को तोड़ देता है। नेचुरल गेम बैटिंग हो या बॉलिंग हो, वो चेंज नहीं करना चाहिए कभी भी, उसका एक्शन चेंज करना नहीं चाहिए। जैसे कि बुमराह है, बुमराह है उसको अगर कोई कोच मिलता था तो बुमराह अभी ये बुमराह नहीं होता था, गुमराह हो जाता था। फिर ये सिडक सिंह का देखो, आज वो बहुत अच्छा खेल रहा है, आज बॉम्बे वाले उसके पीछे पड़ रहे, तो मेरे हम लोग के यहाँ आओ फिर से, जब भी था जब भी उसको संभाला नहीं। ऐसे 10-15 क्रिकेटर है जिन्होंने इनके वजह से जो बीकेसी गए एक्शन चेंज कर दिया और उसके वजह से क्रिकेट छोड़ दिया। मुंबई ने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर दिए, अरे क्या दिए है, लास्ट देखो 41 टाइम इन लोग चैंपियन है, अभी लास्ट 10 साल में क्या हुआ, एक दफे भी रणजी ट्रॉफी नहीं जीते, ये जहीर खान और सचिन नहीं खेले उसके बाद में कहां जीते, अभी तो इस साल तो क्वालिफाई भी नहीं हुए। ऐसी स्थिति क्यों आ गई, बिकॉज ऑफ दिस लेवल कोचिंग। ये कोचिंग जो है 8 दिन के कोचिंग में कोचेस तैयार करते हैं और इन लोग छोड़ देते हैं बच्चे उन लोग के ऊपर। एक्चुअली 5-5 साल इनको मैदान में बिताने चाहिए तो इनको एक्सपीरियंस आएगा, तो कुछ इन लोग को पता चलेगा। इन लोग को क्या पता है, इन लोग खाली एक 8 दिन के इसमें सर्टिफिकेट दे देते हैं और बच्चों को कोचिंग देते हैं, ये कोचिंग में क्या है, इन लोग को ही खुद को पता नहीं है। ऐसा होगा तो फिर आपकी बात सुनेंगे तो स्कूल क्रिकेट में किसी ने जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, डेफिनेटली स्कूल क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए। तो फ्यूचर कहाँ है क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में क्लब खेलो, अच्छा क्लब खेलो। क्या अभी भी वहां पर जस्टिस मिलता है? यस, आप अच्छा क्लब में अगर खेलेंगे, क्लब क्रिकेट में कुछ करके दिखाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकते। जहीर खान कहाँ स्कूल खेला है, कहाँ कॉलेज खेला है, नहीं खेला है। अच्छा, मेरे को लगता है वासिम जाफर भी नहीं, वो डायरेक्ट ये क्रिकेट से स्कूल क्रिकेट थोड़ा खेला है। मगर इन लोग भी ये क्रिकेट में क्लब क्रिकेट से ज्यादा है। यू प्ले क्लब क्रिकेट, उसमें कुछ करके बताओ तो लोगों की निगाहें आपके ऊपर पड़ती है और आपको चांस मिलता है। और एक है, क्लब में आप कुछ करेंगे तो आप स्टेट के लिए खेलेंगे तो आप नेशन के लिए खेलेंगे। वो एक एक स्टेप है, वो स्टेप से आदमी आगे आगे चला जाता है। जो नेशनल क्लब पे मैं सिखा रहा था, 10 साल वो क्लब मुंबई का चैंपियन था, 10 साल में कभी हरा नहीं था। ये था क्या, कोचिंग के सिलसिले में सब बच्चे निकल गए वहां से।
टेक्नोलॉजी किधर भी जाने दो, मगर बेसिक चेंज नहीं होता है। बेसिक वही है जो क्रिकेट का बेसिक है, वो बरसों से चला आया और हम लोग को बेसिक ही सिखाते। आज तुम मेरे साथ अगर ग्राउंड पे आएंगे, मैं 60-70 बच्चे को एक साथ सिखाता हूँ। एक वो पर्सनल कोचिंग में नहीं करता हूँ कभी, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। और ये आजकल फैड निकला है पर्सनल कोचिंग का, उसमें कुछ भी दम नहीं है। जो बेसिक है बेसिक सिखाओ बच्चे को। अगर बेसिक समझता है, बॉल देखने को सीखेगा, तो बच्चा अपने आप बैटिंग कर सकता है, बच्चा अपने आप उसके बाद अच्छा बॉलिंग एक्शन है वो बॉलिंग कर सकता है। और जो पुराना है वही अभी बेसिक चालू रहना चाहिए, तो ही क्रिकेट सर्वाइव होगा, नहीं तो मुंबई का क्रिकेट तो खत्म ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में है, जैसे कि एक बच्ची को मैंने देखा था आपके पास, साना और असीब हमीद भी आपके पास आया था, ये साना भी आई। जब वो आपके पास आई थी तो मेरे ख्याल से 8 या 9 साल की थी। बराबर। तो ये लोग आते हैं मतलब 5-5, 6-6 महीने आपके साथ में रहते हैं? नहीं, खाली 15-20 दिन, क्योंकि इंग्लैंड में उन लोग का स्कूल रहता है, तो स्कूल की जब भी छुट्टियां होती है वैसे वो आते हैं। यहाँ एक आदित्य करके एक लड़का है, वो वहां से आता है इंग्लैंड से, 15-20 दिन आते हैं, सीख के चले जाते हैं। अभी लॉर्ड्स पे उसने 2 बिग 100 किए है, वो इंग्लैंड को खेल सकता है। वो एवरी ईयर मेरे पास आता है, 15-20 दिन सीख के जाता है। क्या है, इन लोग सब फेसबुक, ये यूट्यूब, ये माध्यम से उन लोग सब वीडियोस देखते हैं। वीडियो इतने वायरल है, मेरे अभी 81,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। क्या बात है। तो इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से ये डिमांड आने लगी और पूछते हैं कभी आओ। जैसे छुट्टियां होती है 8-10 दिन, आके वो सीख के चले जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, फिर वीडियो के जरिए मुझसे सीखते हैं। बहुत से बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वीडियो मुझे भेजते हैं और वीडियो के जरिए सीखते रहते हैं। ये एक ऑनलाइन कोचिंग एक अच्छा सिलसिला, टेक्नोलॉजी का ये एडवांटेज लेना। यस। एक ही बात मैं आपको पूछना, 81,000 आपके सब्सक्राइबर्स है, उसके कमेंट में कभी कभी पढ़ता रहता हूँ, तो ये लोग बिंदास वहां से यहाँ पर आ जाते हैं। कभी अच्छे होते हैं उसमें, नए ऐसे नहीं, मगर क्या है, दूसरे स्टेट से यहाँ आके खेलना, एक तो क्या है 2-3 साल उनके फोकट जाते हैं, क्योंकि किसी को डायरेक्ट आके दूसरे स्टेट में खेल नहीं सकते, क्योंकि रूल ही ऐसे है कि दूसरे स्टेट में जाएंगे तो 1 साल का उसका वहाँ रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे इसमें कई अच्छे बच्चे को भी मैं यहाँ चांस नहीं दे सकता हूँ, फिर अपने स्टेट में वापिस जाते हैं। मगर इतना करप्शन है क्रिकेट में, वो बच्चे लोग बाद में इंटरेक्ट करते हैं तो बोलते हैं हम लोग के यहाँ चांस नहीं देते। ऐसे बहुत से ये है हादसे हुए, क्या पैसे लेके सब लोग, ये मैं सीधा ये करता हूँ, आरोप करता हूँ, बहुत से स्टेट के कोचिस होते हैं वो सीधा सीधा पैसा मांगते हैं। अभी मैं आकाश लुथरा का ये एग्जांपल देता हूँ, यूपी के लिए गया था, उसने विकेट निकाले, रन किए, क्या हो गया, उसको डिमांड किया 5 लाख की उसके पास। अभी वो बेचारा गरीब कहाँ से देगा। गवर्नमेंट ने छानबीन करनी चाहिए, क्या अगर ये क्रिकेट में ऐसा होता है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी सिलेक्शन होते हैं क्या होते हैं। यहाँ पे भी बॉम्बे में भी मुझे लगता है कि ठीक से सिलेक्शन नहीं होता है। एक रांधणे करके प्लेयर है, बॉम्बे के लिए खेलता है, आज 3 साल में वो क्लब क्रिकेट में बहुत स्कोर किया है, मगर 7 के ऊपर उसको नंबर नहीं देते, क्यों नहीं देते। ही इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम, फिर भी उसको 7 के ऊपर नंबर नहीं देते। कल भी कुछ मैच वो खेला, लास्ट वीक ही वॉज गिवन नंबर 7। ये क्या चल रहा है, मुंबई क्रिकेट आपको डुबाने का है क्या? क्या ये सिलेक्टर क्या कर रहे हैं, मुंबई क्रिकेट के जो भी अंदर बैठे हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, उसके कोचेस है क्या रहे, उन लोग को दिखता नहीं ये लड़का कितने टाइम नॉट आउट रहता है, कितने टाइम ये कर रहा है, उसको 6-7 ही नंबर देते हैं। क्यों, वो ऊपर आएगा तो एक का नंबर खाएगा इसके लिए। और जो बरसों से आप खेल रहे हैं, इस टाइम तो आप इसमें तो गए नहीं, क्या बोलते हैं, क्वालिफाई तो नहीं हुए। अच्छा। क्यों नहीं हो गए, क्योंकि आपके पास बॉलिंग ही नहीं है, बॉलिंग 0 हो गई है मुंबई की। कोई भी आके तुमको मार के जाता है, क्यों मार के जाता है, क्योंकि आपने जो बदलाव किए वो हानिकारक है मुंबई क्रिकेट के लिए। नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी क्या खाक तुमको लेने की है, जो ओल्ड है ओल्ड इज गोल्ड। इन लोग कुछ भी मालूम नहीं, बस तुम्हारा हाथ इधर जाता है, पांव इधर जाता है, बुमराह का हाथ देखो किधर जाता है, मगर वो विकेट कितने लेता है वो देखो। बुमराह तुम्हारे पास आता तो क्या करते थे, वो एक इसका बॉलर है, मैं हमेशा बोलता हूँ साउथ अफ्रीका का, पॉल एडम करके,
उसका पूरा मुंडी घूमता है। ये अगर बीकेसी में आता था ना, तीन कोच होते थे, एक मुंडी पकड़ता था, एक पाव पकड़ता था और एक हाथ पकड़ता था, ऐसी इन लोग की स्थिति है। किसको क्रिकेटर को नेचुरल है वो चेंज नहीं करना। सचिन ने अपना कभी ग्रिप नहीं चेंज किया, कितने लोग ने उसको बोला था। सर इसका मतलब मुंबई से आने वाले दिनों में कोई प्लेयर नहीं बनेगा? बहुत मुश्किल है। अगर कोई नेचुरल होगा, सडनली आएगा अंडर 19 अंडर 20 में, तो ही वो निकल जाएगा, नहीं तो बहुत। तो फिर अभी जो खेल रहे उनका क्या, जो टीम में है? नहीं कुछ भी, एक भी मेरे को नहीं उसमें लगता है कोई जाएगा ऊपर, कोई भी नहीं। सर ये आप बहुत ही बोल्ड और थोड़ा सा नहीं बोल्ड नहीं, क्योंकि मेरा ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि इन लोग जब भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें पता लगता है उन लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उन लोग का जो ये आज कोई ऐसा क्लब क्रिकेट में लगता नहीं जाके 100 करके आवे, वो मालूम पड़ता है जो अच्छा है वो अच्छा ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। व्हाट इज योर डिजायर इन फ्यूचर कोचिंग में? आप वही जाओ, सुबह में जाओ निकलो, कोई अच्छा बच्चा मिलता है तो उसको ट्रेन करो, बाकी कुछ नहीं। गांव गांव से बच्चे लोग आते हैं, मेरा वही काम है, ठीक करो, बच्चों को खिलाओ, चांस दे दो। और मैं क्या करता हूँ, आजू बाजू के स्टेट में मेरे पहचान वाले है, अभी महाराष्ट्र से बहुत लड़के लोग आते हैं, महाराष्ट्र में कई कोचेस है, उन लोग को फोन करके बोलता हूँ, मिलिंद गुंजाड़ है, दूसरे कोई कोचेस है, बोलता है भाई फलाना फलाना गांव का लड़का है, उन लोग भी अच्छा मेरे को हेल्प करते हैं, आनंद से बोलते हैं कोई लड़का होगा तो भेजो, उन लोग देखते हैं कोई होगा तो उन लोग चांस भी देते हैं, देखते हैं कोई गरीब बच्चे का अच्छा हो जाएगा, वही हमारा ये रहता है मोटिव, कुछ नहीं, कोई उम्मीद वही है कि एक कोई बच्चा, और 18-19 के सिवा कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इन लोग 8-10 साल के बच्चे को इन लोग रात दिन खिलाने को देखते हैं, स्कूल बिल कुछ नहीं, उसको स्कूल जाना चाहिए, नहीं तो उसकी तरक्की कभी नहीं होगी, वो स्टडी करना चाहिए। एक को लगता है कि उसका बच्चा स्कूल में जब क्रिकेट खेलता है तो वो सच्ची नहीं बने, नहीं नहीं ये बहुत बहुत वो जब भी है ना उसको इतना प्रेशर देते बच्चे वहां ही टूट जाते। देखो स्कूल में कितने, मैं बोलता हूँ ना 40 बच्चे है, 300-300 रन किए हुए 40 बच्चे है, कोई भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, ये सबका प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, ये प्रेशर में बच्चे टूट जाते। तो प्लीज 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 उन लोग को प्रेशर मत दो, ये मैं रेडियो पे जाता हूँ वहां पे यही बात बोलता हूँ, उनको छोड़ दो। जहीर खान किधर स्कूल खेला है, अजिंक्य रहाणे भी इतना स्कूल भी नहीं खेला, मगर इन लोग निकल गए, क्यों निकल गए, क्लब क्रिकेट में अच्छा किया, इन लोग निकल गए आगे। तो एक उम्मीद के साथ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एक बच्चा अगर उसके अंदर गेम है तो वो कर सकता है, छोड़ दो, मगर कभी मालूम पड़ेगा 19-20 के बाद इन लोग क्या करते हैं, 14-15 साल में SSC आया, 12th आया, उसको बंद कर देते, वो बंद नहीं करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास जब भी बच्चा आता है अगर स्टडी में अच्छा है 94-95-96% है तो मैं उसको बोलता है क्रिकेट का ऑप्शन मत रखो। अच्छा, क्योंकि ये डेंजर है, क्योंकि 11 ही खेलने वाले, नहीं तो आप डॉक्टर वकील कुछ बनेंगे तो लाइफ में इंजीनियर बनेंगे, फॉरेन में जाएंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अलग हो सकती है। ऐसा ही एक लड़का मैं बोलता हूँ तुमको, प्रतीक वीरा करके एक लड़का है, वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर, उसको क्रिकेटर बनने का था, तो जब भी 12th में था तो मैं बोला देख भैया ये तेरा काम नहीं क्रिकेट, क्योंकि यू आर अ फास्ट बॉलर, यू हैव गुड एक्शन, मगर आपके पास हाइट नहीं, बॉडी नहीं, कुछ नहीं, तो तू कुछ और सोच। सच्ची सर मेरे पास कुछ नहीं, नहीं आगे तेरे को कुछ चांस नहीं। वो आया मेरे पास सामान लाके दिया, किसी बच्चे को दे दो, उसने स्टडी स्टार्ट किया, आज ही इज वाइस प्रेसिडेंट लंडन ब्रांच डॉइस बैंक में। ओहो, यानी बच्चे का ऐसा भी ट्रैक चेंज हो सकता है। इसमें भी अलग अलग ये है, आप अच्छे अंपायर बन सकते हैं, आप अच्छे स्कोरर बन सकते हैं, आप वीडियो एनालिसिस बन सकते हैं, इसमें भी बहुत सी ये है, आप अच्छे कोच बन सकते हैं, आपको अगर गेम का नॉलेज है तो। इसमें जो अलग अलग फैकल्टीज है उसमें जाके आप अपना नाम बना सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं आगे जाके सक्सेसफुल हुए क्रिकेट नहीं खेल के भी। रोज सुबह मैं घर से निकलता हूँ, इसी बहाने से निकलता हूँ कि आज कोई मुझे जहीर खान, कोई अजिंक्य रहाणे, कोई हसीब हमीद मैदान में मिलेगा, और ये उम्मीद लेके ही मैं मैदान में जाता हूँ, और वही उम्मीद से मैं बच्चे लोग को आज ही उतने उम्मीद से सिखाता हूँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा, और यही उम्मीद रखता हूँ, वो क्रिकेट सिखाते रहता हूँ।